हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है टीचिंग अबाउट इंडिया एंड हिंदूज इन पाकिस्तानी स्कूल्स, लाइफ ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान। सो गाइज, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो बाय रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं क्या वीडियो और रिएक्शन करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आज की रिकॉर्डिंग हम किसी जंगल में कर रहे हैं, लेकिन ये जंगल नहीं है, ये एक विलेज है। अच्छा खासा यहाँ पर आबादी है और हिंदू कम्युनिटी की यहाँ पे आबादी है। और इस वीडियो को रात के टाइम में रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है? इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि 2023 का चौथा महीना है और जब दुनिया बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ, दुनिया बहुत तेज़ी से आईटी की तरफ बढ़ रही है, तो पाकिस्तान में ऐसे विलेजेस भी मौजूद हैं कि जहां पर इस टाइम पे लाइट नहीं है। हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सी ऐसी इश्यूज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अगर पर्दा उठाया जाए, जो सच सामने लाया जाए, तो देखने वालों को बहुत बुरा लगेगा। शायद हमारी हुकूमत को बहुत बुरा लगेगा, अदारों को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, शायद बहुत से ऐसे एरियाज भी हों जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बेहतर तरीके से रहती हो, शायद बहुत बिजनेसमैन भी पाकिस्तान में रहते हों हिंदू कम्युनिटी से। लेकिन मेरा मकसद ये दिखाने का है कि क्या ये लोग जो इस टाइम आज हम यहाँ पे, अभी आपको मेरे पीछे शायद नज़र लोग नहीं आ रहे होंगे, लेकिन बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अगर मेरी टीम लाइट वगैरह का अपने मोबाइल से, जो भी आप तीन चार लोग हैं मोबाइल के साथ दिखा सकें, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में विलेज के लोग, इस देहात के, इस गांव के लोग मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इतने ये, और मच्छर आप देख सकते हैं अगर लाइट है, कि किस तरीके से। जी भाई जान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक हो। आपका नाम? मेरा नाम किशन दास। आपका नाम? किशन दास। किशन दास जी जी। और आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, ये तो बड़ी बात है। लेकिन जी जी, देखने वाले ये समझेंगे कि ये हिंदू भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल रहे हैं, इसकी क्या? जी सर, हम बोलते हैं, यहाँ रहते हैं ना सिंध में, तो हम कहते हैं इसलिए बोलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमर भाई। आपका नाम? गोरखनाथ। गोरखनाथ। आपका नाम? कमलेश। कमलेश। कमलेश, और ये बच्चे भी मौजूद हैं और यकीनन इनके पाँव में भी जूते नहीं होंगे। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गुरबत है, लाहौर में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर शायद बहुत ही गुरबत है। लेकिन मेन मकसद ये है कि हमने अपनी मिनोरिटीज़ को, जिसकी हम बात करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ख्याल है, जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो कहा गया कि भाई ये पाकिस्तान उतना ही मुसलमानों का है जितना के हिंदुओं का, जितना के सिखों का, जितना के ईसाइयों का। लेकिन आज अगर हम देखें, कहीं ना कहीं हमें, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है। यहाँ पर इनसे इनके इश्यूज पूछेंगे। कोई भाई जो उर्दू बेहतर जानता, आप आए आप? जी जी, करते क्या हैं पहले तो मुझे ये बताएं। हम सर मजदूरी करते हैं, जो लाभ होता है कनक को गंदम वाला वो करते हैं, सारा दिन सिरतगारी का काम करते हैं। और सिरतगारी? जी जी। सिलाई? सिलाई हाँ। अच्छा, ये जो मजदूरी होती है गारा और ये जो होते हैं। जी 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 जी। इतने मच्छर हैं, लाइट नहीं है, ये सारा इशू है। आपके जो घर वालियाँ हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो कैसे गुजारा करते हैं? बस भाई जान यही ऐसे ही गुजरते हैं, जब जैसे आप देख रहे हैं। जी जी, ऐसे यार इधर है नहीं, लाइट काट दी गई है, क्या मसला, क्या कोई बताएगा? कैसे हैं आप साहब? ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे ये बताएं, लाइट यहाँ पे थी नहीं या अभी नहीं? नहीं नहीं नहीं। ये बच्चे छोटे छोटे मच्छरों में ये कैसे रह लेते? बैठा हूँ गरीब मानो का देवाजियों, क्या कहूँ करो। उसका कहने का मतलब है गरीब हैं, क्या करें, कैसे रहते हैं। भाई मुझे ये बताएं, इधर मेरे साथ आएं, ये बच्चे कैमरामैन अगर दिखाएं, इस टाइम रात का टाइम है और ये बच्चे जाग रहे हैं और किसी के पाँव में भी जूता नहीं है। ये बताएं वाशरूम वगैरह की क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? तो मुझे लाइट भी नज़र आ रही। आप इसके अलावा अगर बात करें, आपका इबादत किधर, आप पूजा किधर करते हैं, कोई मंदिर यहाँ पे अगर है बहुत ही? हाँ सर है, छोटा सा मंदिर है, बाकी जो वाशरूम हाँ इसी मोहल्ले में है हमारा। हाँ ज़रूर दिखाएंगे आप। और साथ ये बताएं कि आपके पास कैमरामैन, आप इधर आ जाए, मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या आईडी कार्ड मौजूद है? पाकिस्तानी है, शनाख्ती कार्ड जिस? जी जी, हमारा शनाख्ती कार्ड भी है। वोट भी देते? हाँ जी जी, वोट देते हैं। वोट जो लेने आते हैं घर के, 10 वोट है? 10 वोट है एक घर के। तो वो वोट जब लेने आते हैं, तब आप उन्हें ये बात नहीं करते कि यार ये बच्चों को जूते दो, ये बच्चों को स्कूल जाने दो, हमें रोज़? हम तो सर कहते हैं, वो खुद नहीं देखते हम लोगों को।
मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते या एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते ये समझता हूँ कि अगर 10 वोट एक घर के हो तो वो 10 वोटों की बड़ी वैल्यू होती है, उस घर की बात बहुत मानी जाती है। मुझे इस चीज़ का आइडिया है पाकिस्तान में खास तौर पे, और इन एक घर के 10 वोट हैं और वो किस तरीके से रहने, इसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपको भी उन लोगों को कहना चाहिए कि भाई हमसे वोट दे के जाते हो, 10 वोट एक घर को आप देते हो एक घर के, तो आप हमारे लिए कुछ कर। सर हम तो बहुत कहते हैं लेकिन हमारे गरीबों की सुनता कौन है। जी जी जी, लेकिन अब सुनेंगे, टाइम लगेगा लेकिन अब हम सुनवाएंगे, चाहे हमें मुश्किलात आए चाहे हमें मसले आए, लेकिन मुझे पाकिस्तान को बेहतर करना है, मुझे पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है, और उसके लिए मुझे ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है इसके लिए सोचना है, और अब हम सुनवाएंगे, जो इनकी नहीं सुनता वो ज़रूर सुनेगा। आए मंदिर दिखाने लगे जी जी, इधर पास है कहीं। अच्छा यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैंने नोट की हैं, लाइट यहाँ पे नहीं है, इसके अलावा ये घर है, ये घर मेरे ख्याल से घर कहलाने के लायक नहीं है, वैसे तो नो डाउट इनके लिए बहुत वैल्यू रखते होंगे आप। ये सर हम सिर्फ छत है बस आपने गुजारा कर। शुरू से ही ऐसे हैं या सलाब आया उसके बाद या कैसे? नहीं सर, शुरू से ही ऐसे हैं, हम मजदूरी करते हैं, घर बनाए जा हम खाए घर पेट में। जी जी ठीक है, आप में से और कोई बात करे, कोई अपना मसला कोई मसाइल बताए, आप बताए आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं साहब, मजदूरी करते हैं सारा दिन, यहाँ गांव में जाते हैं 300-400 मिलते हैं, बच्चों के लिए रोटी लाते हैं। हाँ यार वो गरीब लोग हैं, कोई सुनो मेरी, इधर कोई आता नहीं सुनने, कोई नहीं आता साहब, हम गरीब लोग हैं, हम सिर्फ दाद फरियाद सिर्फ अल्लाह से करते हैं और कोई हमारा नहीं सुनता है। आप रोए ना, देखें हम यहाँ यार हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ पे आए हैं, मेरी बात सुने आपकी, हम मैं लाहौर से आया हूँ, ठीक है, लाहौर से आया हूँ, पहले भी हम आए थे आपके जो दूसरे इलाके के आपकी जो कम्युनिटी थी, हमारे भाई थे हिंदू भाई थे, कुछ हो सका हमने किया, यहाँ पे भी मैं आपको आपसे प्रॉमिस वादा नहीं करता लेकिन आपको ये कहता हूँ कि यहाँ पे हम रोशनियां करके जाएंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपके बच्चे इस अंधेरे में खेलेंगे, आपके बच्चे इस अंधेरे में आप देख सकते हैं कि पहले कभी कोई आया नहीं इधर, कोई नहीं आया साहब, अल्लाह मंदिर दिखाएं। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, हिंदू हैं आप और आप तो भगवान की पूजा करते हैं उनकी, वो मतलब इस तरीके आप अल्लाह का नाम भी ले रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं इसके हवाले से, क्या कहना चाहेंगे कि आप तो आप भगवान की पूजा करते हैं? हाँ भाई भगवान की पूजा करते हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, उनको मांगते हैं भाई हमारी रोजी में बरकत दो, बच्चों के लिए कुछ खाना दो, वो ही मांग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं साहब, हम गरीब लोग हैं यार, हम कहाँ से लाएं, 200-300 लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, कहाँ से जूता लाएं, कहाँ से कपड़े लाएं। मैं अभी मैंने बच्चों को नहीं देखा लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कैमरामैन को, अगर कोई भी एक बच्चा हमें दिखा दे जिसने जूता पहना हो, मुझे पता है कि जूता नहीं, और जूते में ये देखें ये बच्चे ने जूते नहीं पहने, और ये देखें ये आ गया, और ये छोटा छोटा ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये आ गया, मतलब ये कहने का ये है कि हम 2023 में रह रहे हैं। मंदिर किधर है जी? जी जी आए दिखाएं, ये गाय जो हैं ये किसकी हैं, ये आप लोगों ने मिलके रखी हैं, ये किस, थोड़ा इनके बारे में भी बताएं। ये गायें जो है दूसरों की है, हम बस पैसों के लिए चारते हैं इन्हें, बस चारा इन्हें डालते हैं जी, खिदमत करते हैं इन्हें, जी जी जी, वैसे ही आपकी नहीं है? नहीं है अपनी, ठीक है। मंदिर किधर है? इधर, ये हम गरीबों का मंदिर है, छोटा है, ये मंदिर है, ये मंदिर है जी, और गर्मी में मरू, ना को पखो ना को प्लेट, ना कोई पखा है ना ही कोई अपना प्लेट है, सोलर प्लेट ये कहीं नहीं है, ए दींदा वाला। चले हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम जब तक हैं कुछ ना कुछ सिस्टम करके जाएं, आपके जो अंधेरे हैं उसमें थोड़ी सी रोशनी करके जाएं जितना हमसे हो सकेगा। कहाँ पे है वो ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे है वो एनजीओ, कहाँ पे है वो अदारे जो पाकिस्तान में ये दावा करते हैं कि हमने जब फ्लड आया तो बड़ी हेल्प की, वो जो ये कहते हैं हम बलूचिस्तान में बड़ी हेल्प कर रहे हैं, हम सिंध में बड़ी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल के अदारे हों या प्राइवेट लेवल के अदारे हों, मुझे तो ये नजर नहीं आ रहे।
अगर मैं एक छोटा सा मतलब मामूली सा सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, यूट्यूबर होने के नाते, या जो भी आप समझ लें, अगर मैं एक गांव को एनर्जी दे सकता हूं, लाइट सोलर पैनल दे सकता हूं, उनके लिए रोशनी पैदा कर सकता हूं, तो आप तो शायद बहुत से गांव ऐसे आबाद कर सकते हैं। अगर मैं 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को राशन दे चुका हूं, 200, 300 लोगों को दे सकता हूं, तो आप तो हजारों लोगों को राशन दे सकते हैं। अगर मैं 2, 4, 5, 10 लोगों को बिजनेस स्टार्टअप करवा के दे सकता हूं, तो आप तो हजारों लोगों को दे सकते हैं। लेकिन आपकी सोच ये है कि लाइन में खड़ा किया जाए और आटा दिया जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि भाई आटा फ्री मिल रहा है। सेटअप तो हम स्टार्टअप तो करके ही नहीं देंगे। बिजनेस तो बांग्लादेश की तरह, जैसे उन्होंने अपने बेकारियों को क्या किया, या जो गरीब लोग थे क्या किया कि उन्हें उनके घर में छोटे छोटे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करके दिए, और आज वहां पे गुर्बत भी कम हुई और उनको फैसिलिटीज भी मिली जॉब की। बट हमारे यहाँ पे माइंड सेट की गेम है, हमें यहाँ पे बड़ा सोचने दिया ही नहीं जाता। हमें मजबूर किया जाता है कि आप छोटा सोचो, छोटे रहो, आगे ना बढ़ो। लेकिन अब ये सोच हम बदलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को तभी बदल सकते हैं जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, इन लोगों की सोच को बदलेंगे, इन्हें ये बताएंगे कि अगर आपके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है तो आप कितनी वैल्यू रखते हैं। आप उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितनी इमरान खान वैल्यू रखते हैं, आप उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितनी नवाज शरीफ वैल्यू। ये पाकिस्तान उतना ही आपका जितना मेरा है, जितना इमरान खान का है, जितना नवाज शरीफ का है। आपको पता है? नहीं सर, मेरे को पता है, मैं तो यही जानता हूँ। तो भाई रोजी करते हैं, खाते हैं, हमारे को कौन जानता है कौन इमरान है, कौन है इधर जो मेरी मालकी करे, कोई नहीं करता। हाँ, इधर कोई मेरी मालकी नहीं है। जो रियासत मदीना की बात करते हैं, उनके लिए भी सवालिया निशान है। रियासत मदीना में तो कहा जाता है कि अगर एक कुत्ता भी मर जाए भूख से, प्यास से, तो उसका जवाब दे उस जो रियासत है उसका हुक्मरान होगा। लेकिन यहाँ पे तो इंसान है जो भूख से मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तो ये एक मजाक है। मैं कहता हूँ ये इस्लाम का मजाक है जो आप लोग कर रहे हो, ये मजहब का मजाक बना रहे हो। आप अपने चंद वोटों के लिए कभी मजहब को यूज करते हो, कभी आप वेस्ट के पीछे चलते हो, कभी आप तुर्की के पीछे चलते हो, कभी आप सऊदीया के पीछे चलते हो, लेकिन आप अपनी सोच नहीं बना पाते। आपको चाहिए आप बोलें, लोगों को बताएं कि हम तकलीफ में हैं, दुनिया को बताएं आप तकलीफ। हम देख तो रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो हम लोग गरीब हैं, हम तकलीफ में, हम क्या लाए, किसे बोलें, किसको बोलें, तो भाई आप मुझे दे दें, कोई नहीं देता। मांगना तो चाहिए भी नहीं, मांगना चाहिए भी नहीं, मांगना ऊपर वाले से मांगना है भाई, जो वो देगा हम पेट भर के खाते हैं। इधर कोई भी नहीं मेरी मालकी है, नो कोई मेरे पास आता है। मालकी का मतलब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है साहब, ये जमींदार है, उनको शाबाश है, हमारे को कभी नहीं बोला ये तेरी प्रॉपर्टी। आप थोड़े पढ़े लिखे हो, मुझे ये बताओ, अगर एजुकेशन के हवाले से, तलीम के हवाले से कुछ किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि आप ये छोटे बच्चों को, 7th क्लास का मैं समझता हूँ इतना तो मैच्योर होता है कि थोड़ा बहुत अपने छोटे बच्चों को, भाइयों को पढ़ा सके, क्या किया जाए? आपको ऑनलाइन क्लासेस, कोई लैपटॉप वगैरह दे दिया जाए, कोई इस तरह का? जी, यहीं पे वीडियो एंड होता है फ्रेंड्स। ये कंडीशन है कुछ, ना सिर्फ मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ हिंदुओं की कंडीशन नहीं है, उस एरिया में सिर्फ हिंदू नहीं रहते होंगे जहाँ तक मुझे आइडिया, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी गई हूँ इसके ऊपर, मैंने व्लॉग्स भी किए हैं और मैं आप लोगों से भी लिंक शेयर करूँगी वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में, क्योंकि मैं वहाँ पर खुद पर्सनली इन एरियाज में गई हूँ और मैंने लोगों की लाइफ के बारे में वहाँ पर शो किया है कि लोगों की लाइफ वहाँ पर किस तरह की है। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइट्स का जो है ना वो बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि ये जो है अंदरून विलेज साइट में रहते हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। 10 वोट अगर एक घर से जा रहे हैं और उसके बावजूद भी वहाँ पर ये हाल है, तो लिटरली मैं आपको खुद बताऊं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर वाकई में लाइट्स नहीं होती है, लाइट थी नहीं। मैं खुद गई थी और मैं वहाँ पर जामन वाला, शायद आपने मेरा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी देखा होगा, एक बच्चे के साथ मैं बात कर रही थी और वो रात का टाइम था, अंधेरा था वहाँ पर, और वो हिंदू फैमिली थी बेसिकली, और उन लोगों के पास लाइट की फैसिलिटीज बिल्कुल प्रोवाइड नहीं की गई थी, कुछ भी नहीं था। बट मैं ये कह सकती हूँ कि इन लोगों की ये राइट्स हैं यार, इन लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, भले वो कोई भी मजहब से कोई ताल्लुक रखता है, लेकिन इन एरियाज में गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, इनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए, इनको लाइट एटलीस्ट देनी चाहिए। इतने मॉडर्न ज़माने में लाइट ना होना एक बहुत ही बड़ी अफसोस की बात है, और स्पेशली इन लोगों के साथ जो अंधेरे में सो रहे हैं, मच्छरों में सो रहे हैं, लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। एटलीस्ट सोलर सिस्टम तो करके दें, जब आप लाइट नहीं प्रोवाइड कर सकते तो सोलर सिस्टम ही कर दें उनको, ताकि उन लोगों की
लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेहतर हो सके और उन लोगों को जॉब्स वगैरह एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपनी जॉब्स वगैरह भी कर सके। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसके ऊपर वोट लेने से पहले